के बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से इस वक्त आ रही बड़ी खबर, 11 विधायकों का निलंबन किया गया है। वेल में घुसे थे ये 11 विधायक और इन्होंने वहां पर हंगामा किया था वेल में जाकर, और फिर इसके बाद इनका निलंबन कर दिया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह भी इसमें शामिल हैं। 11 विधायक ऐसे हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। पीएम आवास योजना पर बातचीत चल रही थी, वेल में उतरकर इन्होंने हंगामा किया है। हंगामे के बाद विधानसभा स्पीकर ने निलंबित कर दिया है 11 विधायकों को। इस वक्त बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, 11 विधायक निलंबित किए गए हैं जिसमें अब कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। बीजेपी के 11 विधायक निलंबित हुए हैं और इस दौरान हंगामे के चलते इन्हें निलंबित किया गया है। खास चेहरे रमन सिंह एक बहुत ही अहम चेहरा जिन्हें निलंबित किया गया है अन्य विधायकों के साथ, तो कुल मिलाकर 11 विधायक ऐसे हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है हंगामे के बाद विधानसभा। और आइए सीधा रुख कर रहे हैं अमित चौरसिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। अमित जरा ये बताइए, 11 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं, हंगामा कर रहे थे और इनका निलंबन जो है वो कर दिया गया है, फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से आज शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का चल रहा था उसके प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किए थे, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से पंचायत मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है टीएस सिंधे उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट ना होने के कारण वहां पर जमकर हो हल्ला हंगामा हुआ। और जो विपक्ष की ओर से जो विधायक है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर है, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत 11 विधायक गर्भगृह में नारेबाजी करते हुए उतर गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की, जिसके कारण वह नियमानुसार स्वतः निलंबित हो गए। जी बिल्कुल, और ये हंगामा जो है वो प्रश्नकाल के दौरान रहा, प्रश्नकाल बहुत ही अहम वक्त होता है, बहुत ही कम उस वक्त में जो विधायकों के पास टाइम होता है अपनी अपनी बात को रखने का, अब ऐसे में वही हंगामा और उसके बाद वेल में जाकर हंगामा, ये भी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं मामला बनता है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह भी इसमें शामिल है, जरा इस पर भी अपडेट दें। रमन सिंह बड़ा चेहरा तरीके से विपक्ष में शामिल भाजपा, क्योंकि 14 विधायक भाजपा के हैं, वहीं दो विधायक जनता कांग्रेस के और दो विधायक यहां पर बसपा के हैं, तो ऐसे में जो 18 विधायकों से जो विपक्ष बना हुआ है उसमें 14 विधायक जो कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी भाजपा की ओर से शामिल है, वह भी आज गर्भगृह में उतरे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और हंगामा जो है वो हुआ जिसके चलते 11 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।